हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द चैनल, द चैनल नॉलेज क्लब। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले ए वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जिसका नाम है द टॉकेटिव बार्बर। ये आपके क्लास 5 इंग्लिश बुक का ये यूनिट 6 का दूसरा चैप्टर है। आई होप कि आपने पिछली वीडियोस को जरूर देखा होगा, यूनिट 6 के पोएम को जरूर देखा होगा। अगर किसी भी तरह के उसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज के इस नए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का क्या नाम है? द टॉकेटिव बार्बर। बार्बर मतलब वो होता है जो बाल काटता है, ठीक है, नाई हिंदी में कहते हैं उसको। टॉकेटिव मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बकवास की बातें ज़्यादा करता है, बहुत बातू नहीं होता है, ठीक है, उसको कहते हैं टॉकेटिव। तो हम इस चैप्टर में उस बार्बर के बारे पढ़ने वाले जो बार्बर बहुत ही ज़्यादा बात करता है, फालतू की बातें करता है, बहुत ही बातों नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारा स्टोरी शुरू हो जाता है। स्टोरी शुरू होने से पहले ये कुछ चीज़ लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो ए सुल्तान हुज नेम वाज शहरयार, ठीक है। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब एक सुल्तान रहा करता था जिसका नाम था शहरयार। रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम, जो बहुत ही बड़े साम्राज्य में राज करता था, ठीक है। किंगडम मतलब साम्राज्य, ठीक है। हिज क्वीन वॉज ए गुड स्टोरी टेलर, उसकी जो क्वीन थी, उसकी जो बेगम रानी, वो बहुत ही एक अच्छी स्टोरी टेलर थी, मतलब अच्छी कहानी सुनाया करती थी। इच नाइट सी वुड टेल ए स्टोरी टू द किंग, हर रात वो अपने किंग को, अपने राजा को एक नई कहानी सुनाया करती थी। सी नैरेटेड एंशियन पर्शियन एंड अरबिक फोल्क स्टोरीज, दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। राजा की जो बेगम थी उससे, तो राजा की जो बेगम थी ना, तो उसने अपने राजा को एंशियन पर्शियन, साथ में अरबिक फोल्क स्टोरी, जो है अरबिक की जो लोकप्रिय कहानी, ठीक है, लोक वहाँ की लोक गीत कहानी, ठीक है, उसको भी राजा को सुनाया था। उसने भी इस तरह की कहानियों को राजा को सुनाया था, ठीक है। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो स्टोरी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक बड़ी स्टोरी से ली गई है जिसका नाम है अरेबियन नाइट्स। ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? अरेबियन नाइट्स से ली गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टोरी शुरू करते हैं। रीड दिस स्टोरी अबाउट ए मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। हम लोग एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले जिसके अंदर जो एक मैन है वो बहुत ही बातों नहीं है, बहुत ज़्यादा बात करता है, ठीक है, जो बिना बात किए हुए रुक ही नहीं सकता। इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड ए बार्बर हु वाज ए ग्रेट टॉकर। एक सिटी था जिसका नाम था कैशगर, ठीक है, जहाँ एक बार्बर रहता था, ठीक है, और वो बार्बर बहुत ही टॉकर, मतलब ग्रेट टॉकर था। ग्रेट टॉकर मतलब सेम थिंग वे टॉकेटिव और ग्रेट, टॉकेटिव और टॉकर ऑलमोस्ट सेम है, सेम मीनिंग दोनों का, मतलब बहुत ज़्यादा बात करता था, बातूनी था, ठीक है। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू सेव हिज हेड। एक बार की बात है जब सुल्तान ने उस बार्बर को अपने बाल को शेव करने के लिए बुलाया था, ठीक है। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। तो बार्बर जो था काम करने के बजाय, मतलब शेविंग करने के बजाय, वो मतलब बिना रुके हुए बातें करते जा रहा है, लेकिन अपने काम वो नहीं कर रहा था, ठीक है। द सुल्तान गॉट एंग्री, इस पर जो सुल्तान थे वो बहुत ही गुस्सा हो गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? तो जब सुल्तान गुस्सा हो गया तो सुल्तान कहते हैं तुम अपने काम को कब शुरू करने जा रहे हो और अपने बातों, मतलब अपने फालतू की बकवासी को कब बंद करने जा रहे हो? द बार्बर रिप्लाइड, फिर जो बार्बर होता है वो जवाब देता है, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी ए चैटरर। फिर वो कहता है आपने मुझे चैटरर कह के मेरे दिल को दुखाया है। क्या कहता है वो बार्बर? आपने मुझे चैटरर कह के मेरे दिल को दुखाया। चैटरर मतलब भी वही सेम चीज़, चैटरर मतलब जो फालतू की बकवासें करता है, बेवजह बोलते जाता है, मतलब बिना बातें किए हुए रह नहीं सकता, ठीक है। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, हर किसी के लिए मैं बहुत ही शांत टाइप का आदमी हूँ, ठीक है। बार्बर ऐसा राजा से कहता है, आई हैव 6 ब्रदर्स हुम यू माइट कॉल चैटरर। फिर बार्बर कहता है मेरे छः भाई है, आप उसे चैटर्स पुकार सकते हो। ऐसा बार्बर राजा से कहता है, देयर नेम्स आर बकबोन, पहले भाई का नाम उसने पहले बताया, बकबोन, पहले भाई का नाम बकबोन, दूसरे का बकबरिया, तीसरे का बकबक, चौथे का अलकुज, पांचवें का अलनाशी और छठे का शाकाबक। क्या क्या नाम है भाई, गजब गजब नाम है। तो ये उनके 6 भाइयों का नाम था। वन इज हम्प बैक, वन इज टूथलेस, वन इज हाफ ब्लाइंड, वन इज क्विट ब्लाइंड, वन इज डेफ एंड द अदर हैज डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माय फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स। फिर वो कहता है,
ये आपने तो देख ली उनके छह भाइयों के नाम, और हर छह भाई और उनके सारे के सारे छह भाइयों में एक डिसेबिलिटीज थी। यहाँ पे देखो सारे के बारे डिसेबिलिटीज लिखा हुआ। एक तो था हम्प बैक, मतलब एक की कुबर निकली हुई थी, दूसरा था जिसके दांत नहीं थे, तीसरा जो आधा अंधा था, चौथा जो पूरा अंधा था, ठीक है, मतलब एक के पास एक ही आंख थी और दूसरे वाले के पास दोनों आंखें नहीं थी, और चौथा देखो एक बहरा था, ठीक है, उसमें से एक बहरा भी था, और साथ में एक को बोलने में तकलीफ होती थी, ठीक है, मतलब स्पीच मतलब बोलने में दिक्कतें होती थी। तो हर किसी उसके जितने भी भाई थे उनमें एक ना एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन थी वो क्या थी कि वो सारे के सारे बात करने में बहुत आगे थे, मतलब बेवजह बात करते, मतलब बिना बात किए हुए रह नहीं सकते, ठीक है, उसी को इसलिए यहाँ पे ग्रेट टॉकर्स कहा गया है। और वो फिर बोलते हैं बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, मैं अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ ये कह सकते हैं, एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत ही शांत हूँ और मैं ज़्यादा शब्दों का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही कम बोलता हूँ, जो बार बार है ये बात राजा से कहता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हाँ तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से बार बार अपने छः भाइयों के बारे राजा को बता रहा है, ठीक है, ये बार बार के ये छः के छः भाई आप देख सकते हैं, एक का दोनों आँख नहीं है, एक का सिर्फ एक आँख नहीं है, एक यहाँ इसके देख सकते हैं इसके दांत नहीं, इसका यहाँ देखो कुबड़ निकला हुआ, एक का मतलब जीभ बाहर है, इसका मतलब इसे बोलने में तकलीफ हो रहा, और एक का हाथ है जो उसके कान पे, इसका मतलब ये हुआ कि उसे सुनने में दिक्कत होती है। चलिए तो यहाँ आगे देखते हैं, Give him 3 pieces of gold. The Sultan cried, losing all patience, and sent him away. जब सुल्तान को गुस्सा आ जाता है, वो अपना पेशेंट खो बैठता, मतलब धैर्य खो बैठता, अपने सहन शक्ति को खो बैठता, तो वो गुस्से से कहता है कि इसे 3 सोने का सिक्का दे दो और इसे कहो यहाँ से जाने के लिए, ठीक है, इसे जाने के लिए यहाँ से कहो, आई विल नॉट बी शेव टूडे, आज मैं अपने बाल को शेव नहीं करवाऊंगी। जब सुल्तान गुस्सा हो जाते तो ऐसा बात कहते हैं, ठीक है। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, फिर जो बार्बर है वो कहता है मेरे मास्टर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर मी टू कम, मैं खुद से यहाँ नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खुद से नहीं आया हूँ आपके पास, वो तो आप है जिसने मुझे बुलाया है, ऐसे बात वो राजा से कहता है, ठीक है, मैं अपने मन से यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया और मुझे आपने बुलाया है, सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू, तो इसलिए मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपके हेयर को सेव ना कर दूँ, तो ऐसी बात बार बार राजा से कहता है, ठीक है, जब तक वो उनके बाल को सेव नहीं करेगा उस घर से वो जाएगा नहीं, वो बार बार ऐसा कहता है राजा से, ठीक है। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर, फिर उसके बाद उसने एक नया स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया और वो स्टोरी आधा घंटा के बाद जाके खत्म हुआ। गजब टॉकर है ये। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, फिर राजा कहते ये अपने बढ़िया भाषण को बनाना बंद करो और मुझे जाना है जल्दी, और मुझे जल्दी जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मुझे आज कुछ किसी खास मसले पे जाना है, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण काम करना है, ठीक है। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर में जाना है, सेड द सुल्तान, ये बातें सुल्तान बार बार से कहता है, उसे कोई खास मसले पे किसी खास कार्य में जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए उसे बाहर जाना है दोपहर में, ऐसी बातें सुल्तान ने बार बार से कही, ठीक है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry." जब बार्बर को ऐसा फील होने लगता है, ऐसा रियलाइज होने लगता है कि सुल्तान अब ज़्यादा सच में गुस्सा हो रहा है, तब बार्बर कहता है, "Oh master, do not angry." वो प्यार से कहता है, "Oh master, गुस्सा मत हो। I will begin to save you." मतलब अब मैं सेव करना शुरू करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to save. इतना कहते ही उसने सुल्तान के जो हेड है उसे धोया और उसे सेव करना शुरू कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, माय मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर। उसने अपने रेजर से जो सुल्तान के हेड को 4 बार भी नहीं छुआ था कि उसे बंद करके, उस काम को बंद करके उसने मास्टर से कहा, ठीक है, कि मेरे मास्टर ऐसा लग रहा है आप इस काम में आप जल्दीबाजी कर रहे हो, ऐसा बात उसने किससे कहा, सुल्तान से कहा, माय मास्टर यू आर एक्टिंग हैस्टली इन दिस मैटर, आप इस काम में अब जल्दीबाजी कर रहे हो या फिर फौरन में हो इस काम में, गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। तो इस बात पर सुल्तान ने कहा तुम सेविंग करते चलो और कुछ भी मत बोलो, ऐसा आज्ञा सुल्तान ने बार्बर को दिया, ठीक है। हैस्टली मतलब क्या होता है, फौरन या जल्दीबाजी में, ठीक है।
बी पेशेंट सेड द बार्बर परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वाट यू वर गोइंग टू डू। फिर क्या कहता है बार्बर, शांत हो जाइए, धैर्य रखिए, ठीक है। पेशेंट मतलब धैर्य रखना, शांत हो जाना, ठीक है, कूल। ऐसा बार्बर कहता है कि शायद आपको पता नहीं, आपको मालूम ही नहीं, आप विचार भी नहीं आपको इस बात का कि आज आप क्या करने जा रहे हो। वाट वर गोइंग टू डू, आज आप क्या करने जा रहे हो। आई विश यू वुड टेल मी वाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। मैं चाहूँगा कि आप मुझे वो ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो खास मसला है, उसे आप मुझे बताइए ताकि मैं अपने राय विचार उस पर दे सकूँ, ठीक है। ऐसी बातें बार्बर किससे कहता है, सुल्तान से। फिनिश सेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। फिर सुल्तान क्या कहता है, एक्सक्लेम्ड मतलब कहना, ठीक है, कहा। सुल्तान ने कहा पहले तुम सेविंग करना, पहले पूरा सेविंग कर लो, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। पर वो बाल काटने के बजाय उसने क्या किया, उस काम को उस आधे पे ही रोक के, सुल्तान के बाल को आधा ही पे काट के छोड़ के वो टाइम देखने चला गया, वो समय देखने चला गया, ठीक है। माई पेशेंस इज एक्सॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। जो सुल्तान की जो सहनशीलता थी, जो धैर्य थी, वो अब टूट चुकी थी, हिम्मत टूट चुकी थी, तो सुल्तान इस बात पे चिल्लाते हैं, ठीक है। बी काम द मास्टर, बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट। फिर वो क्या कहता है बार-बार, शांत हो जाइए मेरे मास्टर, मैं आपको बस थोड़ी देरों में सेव कर दूंगा, ठीक है, थोड़े पलों में, थोड़ी क्षणों में, मोमेंट मतलब। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान। इतना कहने के बाद बार्बर फिर से मतलब सुल्तान को सेविंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। पर वो ये काम जब कर रहा था तो उस बीच भी वो बात करते रहा, बिना बात किए हुए उसे आराम नहीं मिला, ठीक है, करते गया बात, करते गया, ठीक है। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी वाट दिस इंपॉर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ठीक है। ही सेड, जो बार्बर है उसने सुल्तान से कहा, अगर आप मुझे ये खास मसले के बारे, ये खास काम के बारे अगर बता दो तो मैं अपने सुझाव, राय, विचार दे सकूंगा, अगर आपको उसमें से कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप उसे यूज कर सकते हो। ऐसे बातें बार्बर ने सुल्तान से कहा, एडवाइस मतलब सुझाव या सलाह, ठीक है। द सुल्तान वाज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। यहाँ से सुल्तान पूरी तरह से थक चुके थे, परेशान हो चुके थे यहाँ तक, तो उसने सोचा कि अब बार्बर को संतुष्ट कर ही देना चाहिए, इस बार्बर को बता ही देना चाहिए, ठीक है, कि आखिर में वो इंपॉर्टेंट मसला क्या, वो इंपॉर्टेंट काम क्या है, ठीक है। ही टोल्ड हिम डैट ही वॉज गिविंग ए फिश टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव। फिर उसने कहा, फिर सुल्तान ने उस बार्बर से कहा कि वो आज दोपहर में अपने कुछ दोस्तों को दावत देने वाले, खाना खिलाने वाले हैं, इसलिए वो आज जल्दी में है और इसलिए वहाँ से वो जल्दी में जाना चाहते हैं। ये बात सुल्तान ने बार्बर से कहा। फिस्ट मतलब होता है दावत, ठीक है। व्हेन द बार्बर हर्ड द सुल्तान मेंशन ए फिस्ट ही एक्सक्लेम। जैसे ही बार्बर ने सुना कि सुल्तान ने एक फिस्ट का जिक्र किया, एक दावत का जिक्र किया है, दैट ही रिमाइंड्स मी, तो उससे एक चीज़ उसे याद आता है उस बार्बर को। यस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टूडे। कल ही उसने मतलब बीते हुए कल की बात कर रहा है, कल ही उसने अपने 4 या 5 दोस्तों को घर पे इन्वाइट किया, आमंत्रण दिया है, ठीक है, आज। बट आई हैड क्विट फॉरगेटन इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम। पर उसे इस बात का थोड़ा भी ध्यान नहीं था, वो सारी चीज़ भूल गया था और उसने जरा सा भी थोड़ी भी उसके लिए क्या बोलते तैयारियां नहीं की है। द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वाज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम। सुल्तान पे दया और रहम अभी बार्बर ही कर सकता था, क्योंकि सुल्तान को जाना था अपने दोस्तों के साथ दावत पे, ठीक है, और साथ में सुल्तान है इस बार्बर से थक चुके से परेशान हो चुके थे, तो इसलिए सुल्तान इसके लिए हर कोई चीज़ कर ले, हर चीज़ करना चाहते थे, हर वो चीज़ कर देना चाहते थे जिससे सुल्तान को इस बार्बर से छुटकारा मिल जाए, ठीक है। वाज रेडी टू डू एनीथिंग, इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार थे, ठीक है। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क द सुल्तान रिप्लाइड। सुल्तान ने जवाब दिया, जल्दी करो और अपना काम खत्म करो, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड डैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टूडे, और वो सारे फूड तुम्हारे हो जाएंगे जो आज मेरे लिए क्या बोलते फिस्ट के लिए जो भी फूड आज मेरे लिए तैयार किए गए वो सारे के सारे फूड तुम्हारे हो जाएंगे।
प्लीज शो मी द फूड सो डैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई फ्रेंड्स। तो फिर बार बार क्या कहता है, कृपया मुझे वो सारे फूड दिखाइए ताकि मैं जज कर सकूँ, मैं पता कर सकूँ कि क्या वो उतना फूड मेरे दोस्तों के लिए काफ़ी, मेरे पांचों दोस्तों के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है या नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान ने क्या कहा, मेरे पास पर्याप्त भोजन है तुम्हारे लिए। ठीक है, सुल्तान क्या कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी पर्याप्त भोजन है। ठीक है, बट ही ऑर्डर डैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फिट फिस्ट बी ब्रॉट इन। फिर भी उसने अपने ऑफिसर से, जो भी होंगे उनके महल में काम करते होंगे, उनसे उसने ऑर्डर दिया कि जो भी फूड आज फिस्ट के लिए बनाया गया, जो भी फूड आज बनाया गया है उसे यहाँ पे ले आया जाए। ठीक है, द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डिजर्ट्स ऑल्सो। फिर बार्बर उस सारे फूड को देखते हुए कहता है, ये फूड तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे डिजर्ट के लिए कुछ फ्रूट्स मिल जाते तो बढ़िया रहता। ठीक है, डेजर्ट क्या होता है पता है, मेन मील के बाद जब आप कुछ मीठा खाते हो तो उसी को कहते हैं डेजर्ट। ठीक है, आपने प्रचार देखा हो ना डायरी मिल्क का, कुछ खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो उसी को डेजर्ट कहते हैं। द सुल्तान इन डिस्पेरेशन सिंस हिज हेड वाज हाफ सेव्ड ऑर्डर डेट द फ्रूट शुड बी ऑल्सो ब्रॉट इन। सुल्तान मायूस हो चुके थे क्योंकि उनके हेड का जो आधा आधा पार्ट का बाल सेव हो चुका था और आधा नहीं हुआ था, इसलिए वो मायूस होके दुखी होके उसने कहा कि फ्रूट्स को भी ले ही आया जाए। ठीक है, अपने ऑफिसर जो भी उनके महल में काम करते उनसे वो ऑर्डर देते हैं, मतलब आज्ञा देते हैं कि फ्रूट्स को भी ले आया जाए, फल को भी ले आया जाए। फिर देखिए क्या होता है, द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। जो बार्बर होता है उसने सेविंग करना छोड़ के जितने भी डिशेज थे उसको बारीकी से एक एक करके सावधानी से चेक करना शुरू कर दिया, निरीक्षण करना, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, दिस टुक अप हाफ एन आवर। इस काम को करने के लिए अराउंड हाफ एन आवर लग गया। ठीक है, बार्बर को ये काम करने में, मतलब सारे फूड को एक एक करके सारे डिशेज को एग्जामिन करने में आधा घंटा लग गया। ठीक है, द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। सुल्तान का धैर्य अब टूट चुका था, हिम्मत टूट चुका था, सहनशीलता उनका टूट चुका था, इसलिए सुल्तान ने गुस्से से अपने पैर को जमीन पे पटका। ठीक है, धैर्य खोके। ठीक है, फिर भी इससे बार्बर पे कोई असर नहीं पड़ा, बार्बर को किसी बात की जल्दी नहीं पड़ी। ठीक है, बार्बर को किसी बात की जल्दी नहीं थी। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप सडनली एंड क्राइड। हाउएवर लंबे समय के बाद, कुछ देर के बाद उसने रेजर को फिर से उठाया और अपना काम शुरू किया। फिर एक मिनट के ठीक एक मिनट बाद उसने फिर से अपने काम को रोक के अचानक से और कहा, क्राइड मतलब कहा या चिल्लाया। ठीक है, आई नेवर न्यू डैट यू आर सो जेनरस। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दिस सेंटेंस, आई नेवर न्यू डैट यू आर सो जेनरस। मुझे पता नहीं था कि आप इतने विनम्र हैं, इतने दयालु है, इतने अच्छे स्वभाव के हैं। ठीक है, अंत में वो बार बार सुल्तान से क्या कहता, मुझे पता नहीं था कि आप इतने दयालु, इतना विनम्र हैं, अच्छे स्वभाव के हैं। तो देखा आपने, यही था ओवरऑल चैप्टर। ठीक है, आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बार्बर और सुल्तान के बीच की कहानी है। ठीक है, स्टोरी है, बार्बर बहुत ही टॉकेटिव है और सुल्तान बहुत ही झेल सकता था, सुल्तान ने बहुत हद तक उसे झेला। अभी तक तो मुझे लगता है सुल्तान ने उसे सुली पे चढ़ा दिया होता इतना फालतू की बकवास के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ठीक है, तो उसे देख लेते हैं हम लोग। चैटरर मतलब क्या होता है, समवन हु टॉक्स ए लॉट, कोई ऐसा व्यक्ति लॉट, ठीक है सॉरी गलती हो गया, समवन हु टॉक्स ए लॉट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता, बातूनी, ठीक है उसको बातूनी कहते हैं। डिफेक्ट मतलब होता है ए फॉल्ट, गड़बड़ी, खराबी। ओपिनियन व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट ए पर्सन थिंग और सब्जेक्ट, किसी भी व्यक्ति का अपना राय विचार किसी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड एंड फेड अप मतलब थक जाना या फिर परेशान हो जाना। डेजर्ट मतलब ए स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, मुख्य भोजन के बाद जो स्वीट मीठा जो चीज़ परोसा जाता खाने के लिए, ठीक है उसी को कहते हैं डेजर्ट। एग्जामिन टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी भी चीज़ को सावधानी से, बारीकी से देखना, ठीक है गौर से। एट लेंथ एट ए स्टेज, खिंचाव, तनाव,